नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि अभी तक किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में मुख्य समस्या जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और बाजार मूल्य से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य को बताया है। गडकरी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सवाल करते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन हम गन्ने के लिए 34 रुपए प्रति किलो का भुगतान कर रहे हैं। हमारी एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय कीमत और बाजार की कीमतों से ज्यादा है और यही समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि समस्या की मूल वजह जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और बाजार मूल्य से अधिक एमएसपी है। उन्होंने बताया कि एक समय पर हमारे पास देश में खाद्यान्न की कमी थी, वहीं हरित क्रांति के बाद अब हमारे पास चावल सप्लस में है। 2020 के उत्पादन से पहले हमारे गोदामों में लगभग 280 लाख टन चावल था। हम पूरी दुनिया को चावल दे सकते हैं। मकई के मामले में एमएसपी 1700 रुपए है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 1100 रुपए है। पिछले साल हमने 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया, जिस पर 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। गडकरी ने कहा, मैं पिछले 12 वर्षों से इथेनॉल के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन खाद्यान्न को ईंधन में बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। हम 8 लाख करोड़ रुपए का ईंधन आयात करते हैं। हम 1 लीटर चावल से 480 लीटर इथेनॉल बना सकते हैं। 1 टन मकई से हम 380 लीटर इथेनॉल बना सकते हैं। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल जाएंगी और चीनी बनाने के बजाय हम गन्ने के रस से इथेनॉल बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, परिवहन मंत्री के रूप में मैंने बजाज और टीवीएस के स्कूटर और बाइक लॉन्च किए हैं जो इथेनॉल पर चलते हैं। बहुत सारे उत्पाद इथेनॉल से बनते हैं, जैसे बायोप्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल है। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। अगर हम इस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं तो हमारे किसान अधिक कमा सकते हैं। इससे ईंधन के आयात पर होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च को कम करने में मदद हो सकती है और प्रदूषण भी कम हो सकता है। इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी फार्मेसी में दुकानदार उत्पादों की कीमत तय करता है। अखबार में एक विज्ञापन की कीमत अखबार द्वारा तय की जाती है। एक रेस्तरां में भोजन की लागत रेस्तरां द्वारा तय की जाती है। एयरलाइन कंपनियां और रेलवे अपने टिकटों की कीमत तय करते हैं। फिर किसानों को उनकी उपज का मूल्य क्यों नहीं तय करना चाहिए? किसानों को अपनी इच्छानुसार कहीं भी बेचने में सक्षम होना चाहिए, जहां भी उन्हें अधिक पैसा मिले। हमने किसी एपीएमसी को बंद नहीं किया है। 3 कृषि कानूनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। उस पर नितिन गडकरी ने कहा, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। विदर्भ क्षेत्र में लगभग 10,000 किसानों के पास पूंजी नहीं है और उनकी भूमि बंजर पड़ी है। यह उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति भूमि पर काम करता है, बीज और उर्वरक खरीदता है और फिर लाभ साझा करता है या भूमि को पट्टे पर देता है, तो किसान को कुछ पैसा मिल जाएगा। गडकरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसलिए कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। हमें किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को समझना होगा। सरकार के पास खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कोई जगह नहीं है। ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के लिए कृषि का विविधीकरण, फसल पैटर्न को बदलना, खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना देश के लिए आवश्यक है।